आज जिस फिल्म का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, इस फिल्म को प्लीज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मत देखना, और अगर आप डेट पे जा रहे हो ये फिल्म देखने के लिए तो फिर आपके लिए डेथ सर्टिफिकेट साबित होगा। तो गॉडजिला छोड़ के मैं अपने जिला की तेलुगु फिल्म डीजे टिल्लू का सीक्वल देख कर आ रहा हूँ, जिसका नाम है टिल्लू स्क्वायर, स्टारिंग सिद्धू एंड अनुपमा परमेश्वरम। अब देखो, जब मैंने इस फिल्म का फर्स्ट पार्ट देखा था उसने मेरे को मजबूत एंटरटेन किया था, तभी मैंने ठान लिया था कि भाई इसका सीक्वल आएगा तो मैं उसको थिएटर में कवर करूंगा। फर्स्ट हाफ में सिद्धू का वो जलवा, फिर लड़की के नाद में जो होता है हलवा, फिर अपना कलवा, इस हिसाब से गेम बजाता है भाई। उस फिल्म का क्लाइमेक्स कितने लोगों का कलेजा ठंडा कर दिया होगा, तो कितने लोगों की झाटे उबाल दिए रहेंगे। और बस फर्स्ट पार्ट का टेम्पलेट फॉलो करते हुए इसका सीक्वल आता है, जिसका नाम है टिल्लू स्क्वायर। इसको देखने के लिए मैं लंबा ट्रेवल करता हूँ, एंड थैंक गॉड सबटाइटल मिल गया। सच बता रहा हूँ, आज के टाइम पे मूवी लवर के लिए सबसे बड़ा जंग ये है कि साला बिना सबटाइटल के मूवी मिल जाना ऐसा लग जाता है जैसे मानो घुटने के तेल से बना पकौड़े खाने को मिल गया हो। एनीवेज, अब टिल्लू के वर्ल्ड में ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए अगर आप एंटरटेनमेंट की ओर देखोगे तो आप हंस हंस के हक दोगे। और अगर मैं टिल्लू स्क्वायर इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूं तो इतना ही कहूंगा, इट्स अ क्रेजी मैडनेस पैसा वसूल फिल्म। हालांकि कॉमेडी का मजा उनके ओजी लैंग्वेज में ही आता है, लेकिन फिर भी मैं सबटाइटल के साथ इस फिल्म को गान फाड़ एंजॉय किया हूं। और फिल्म की कहानी में कान वही हीरोइन नई से शुरू होती है फिल्म। अच्छा, ये आप लोग तो जानते ही रहोगे कि अगर एक लड़का गिर जाए स्कूटर से तो चार पांच लौंडे अगर आजू बाजू में रहेंगे, लड़की भी रही तो बोलेगी साला जब स्कूटी चलाने आते नहीं तो गांड मराने चला था। और वही अगर लड़की उल्टी भी कर दे लड़के पे तो लड़का बोलेगा कि अरे डियर डोंट फील प्रेग्नेंट, आई एम देयर टू डू इट, आई मीन आई एम देयर फॉर यू। यार ये होता है, बस ऐसे ही उल्टी से शुरुआत भी होती है इस फिल्म की। फिर बाद में फिल्म में जो कांड होता है वो देख के आप समझ जाओ कि इससे मुंह फूलता है या पेट, आई मीन मतलब हंस हंस के पेट फूलता है ऑडियंस का। और फिल्म में कॉमेडी की कमी पड़े ऐसे सोचने वाले के मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि लाफ्टर अनलिमिटेड है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट देखी रहेगी उनको इस फिल्म का फर्स्ट हाफ का जो ट्विस्ट आता है वो प्रेडिक्टेबल सा लग जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ रोलर कोस्टर राइड है। बस इस बार भी कहानी में वही ये लड़कियों को धोखेबाज दिखाने वाला जो पैटर्न है, शायद इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लमेटिक फील हो सकता है। पर अगर प्रोड्यूसर के नजरिए से देखोगे तो वो तो बोलेगा कि गांड मरा है, मैं चला अपना फ्रिज का ईएमआई भर के पार्ट 3 लाने इस फिल्म का। बाकी पूरी फिल्म को रखो एक तरफ और दूसरी तरफ रखो सिद्धू का परफॉर्मेंस, भाई हंसता खेलता खा डालता है, उसका कॉमिक टाइमिंग एंड अंदाज जरा भी ओवर नहीं लगता है और मजा तो डबल दे जाता है। वही हीरोइन अनुपमा परमेश्वरम की बात करो तो वो गरम तवा लगती है, इतनी हॉट, एंड उनका काम भी अच्छा है। बाकी पहली वाली हीरोइन का भी कैमियो जब आता है थिएटर पलट जाता है। वही इस फिल्म का डायलॉग, एडिटिंग, स्टोरी, स्क्रीन प्ले, परफॉर्मेंस, म्यूजिक, एवरीथिंग इस सीक्वल को कामयाब करके रख देता है, मतलब आपके एक्सपेक्टेशन वसूल हो जाएंगे। सो ओवरऑल टिल्लू स्क्वायर टिल्लू क्यूब का मजा देगा आप लोगों को, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं भी देखी उनको भी मजा आ जाएगा, हंसता खेलता फैमिली के साथ जाओ। बाकी फिल्म ने किसिंग करने का इंप्रोवाइजेशन भी ऑडियंस को सिखाया तो उस पर भी ध्यान दे देना, पैसा वसूल हो जाएगा। मैं इस फिल्म को दूंगा 3.5/5 स्टार, मजा आ गया भाई, 40 किलोमीटर ट्रेवल किया हूं यार। प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, मिलते अगले वीडियो में, बाय।